तो यहाँ पर लाली लोग भी धूप सेक रहे हैं, ये देखिए। और सोना में भी धूप आनी स्टार्ट हो गई है, अभी तक उस पे छाँव थी। तो चलिए भाई, तुम भी धूप सेको आराम से। जल्दी से लौड़ो ना, चने फाड़ा बना रखा है आज। किस चीज का फाड़ा? अच्छा, की दाल की। कैसे करके बनाया फिर ये? इसको चने की दाल होती है ना, दली हुई, उसको भिगो दिया गर्म पानी में। अच्छा, यहाँ पे चाय भी आ चुकी है, चाय का आनंद लेते हैं अब। क्या ला रखा है मम्मी ने? चाय की साल आ रखी है गुजिया। थैंक यू सो मच आपका चाय के लिए। तो चलिए अब देखते हैं नीमा भाभी ने कहाँ पर निकाली है कंडली की भुज्जी। तो ये देखिए अलमोड़, इसे भी डालेंगे भुज्जी में। आधा अल्मोड़ ये है, आधा अल्मोड़ो है। अच्छा, ये देखिए कंडेली, कंडेली भी निकाल दी है उन्होंने। तो यहाँ पर लाली लोग भी धूप सेक रहे हैं, ये देखिए। और सोना में भी धूप आनी स्टार्ट हो गई है, अभी तक उस पे छाँव थी। तो चलिए भाई, तुम भी धूप सेको आराम से। मम्मी जी तो कर रही है आज कपड़े धुलाई और लगी है अपने काम पे, और मुझे दिया गया है गोबर फेंकने का काम। तो चलिए हम भी चलते हैं गोबर फेंकने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ संजय रावत और आप सभी का स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग भी हमने स्टार्ट कर ही दिया है सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों, आज भी आई है यहाँ एकदम मस्त की धूप। तो चलिए सबसे पहले आपको आज का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आजकल पहाड़ों में एकदम मस्त धूप लगी है, और यहाँ पर हमने रजाई भी सुखाने के लिए रखी है, क्योंकि ऐसे धूप में रख के कुछ देर बाद रखो इन्हें अंदर तो गर्म हो जाती है। तो जब रात को इन्हें सोते टाइम ओढ़ो तो इतने गर्म रहते हैं कि बहुत अच्छा फील होता है। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यहाँ तो धूप भी नहीं आ रही है, और काफ़ी लोगों से कल बात भी हुई तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दिल्ली में भी धूप नहीं आ रही, कोटद्वार में, काशीपुर साइड में, सब जगह कोहरा लगना स्टार्ट हो गया है। तो पहाड़ों की यही खासियत है कि यहाँ बरसात में लगता है कोहरा, और आजकल एकदम क्लियर धूप रहती है। तो ये देखिए, यहाँ तो एकदम सुंदर मौसम हो रखा है। तो जिनके यहाँ धूप नहीं आ रही तो आजकल यहाँ आ जाइए, एकदम मस्त धूप लगी है धूप सेकने के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रीना दीदी भी आ गई है पानी के लिए, क्योंकि आजकल भरपूर गांव में भी पानी नहीं आ रहा है, तो आजकल काफ़ी लोग इधर ही आ रहे हैं पानी के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हाई कर रही है रीना दीदी। तो आ गए आप, कल नहीं दिखाई दिए, नया साल मुबारक हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार वालों को भी। और नाश्ता पानी हो गया? बस हो गया, पानी नहीं आ रहा है अच्छा, इसलिए यहाँ दौड़ना पड़ बहुत बढ़िया। रहा है। अरे बताओ ना अपना नाम बताओ, चुटकी। ओए वो है चुटकी, नाम बताओ अपना, मैं बताओ ना। रूल बढ़िया। क्या नाम है? नाम ही नहीं है क्या? अनन्या। ओ अनन्या, तो दोस्तों ये रहा गोबर, तो फेंकते हैं अब गोबर को। और इतना बनाना भी है, इतना फेंकना है, बस यही रह गया हमारे बरसात वाला गोबर, इसका भी हमने कर दिया है उद्यापन। तो चलिए दोस्तों, अब दिन के खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो खाना खाने चलते हैं। लाली लोग भी भारी हैं, धूप सेक रहे हैं, तो सोना तो लेट भी गई है। तो चलिए, गोबर भी पूरा फेंक दिया था आज, अब कुछ भी नहीं रह गया है, एकदम साफ हो गया है। पढ़ी हूँ आज। हाँ भाई, अच्छा। चने की दाल। अच्छा, जल्दी से लौड़ो ना, फाड़ा बना रखा है आज। किस चीज का फाड़ा? चने की दाल की। अच्छा, कैसे करके बनाया फिर ये? इसको चने की दाल होती है ना, दली हुई, उसको भिगो दिया गर्म पानी में। अच्छा, फिर सिलबट्टे में पीसो। हाँ, फिर अच्छी तरह से भूनो। अच्छा, अरहर की दाल की तरह बन जाता है। अच्छा, कैसा हो रहा था?
अच्छा हो रहा फाना, बढ़िया हो रहा। वो तो कड़ी बोलते हैं इसके लिए। अच्छा बोले कड़ी बना देती है। चलिए खाते हैं हम भी, ये मूली भी है सलाद में। तो दोस्तों गायों को भी अंदर बांध दिया है और यहाँ पे पूरा कूड़ा करकट जला दिया गया है। कूड़ा करकट बोले तो जो घास बच जाती है डंठल वाली, वैसी गुइरा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसे जला देते हैं हम। तो ये देखिए जला दिया है और आंगन भी पूरा साफ हो चुका है। यहाँ पे चाय भी आ चुकी है, चाय का आनंद लेते हैं हम। क्या ला रखा है मम्मी ने, चाय के साथ आ रही है गुजिया। थैंक यू सो मच आपका चाय के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए चाय का आनंद लेने के लिए। तो पीते हैं अब हम चाय मम्मी के साथ बैठ के। तो दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं इवनिंग वॉक पे, मम्मी भी आ गई है पीछे से। आ जाओ तो चलिए चलते हैं फिर बॉन्ड की तरफ। मुझे अतः आप लोगों से हर बार कर विनती करते हैं कि सभी ग्रामवासी, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल एवं समस्त ग्रामवासी उचित यात्रा में। दोस्तों ये गाड़ी द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कल दिनांक 3 जनवरी को भरोली खाल में कलश यात्रा निकाली जाएगी अयोध्या राम मंदिर के नाम पर प्रातः 10 बजे। तो हमारे यहाँ की सभी क्षेत्रीय जनता वहाँ पर आमंत्रित है, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल। तो भारी से भारी जनसंख्या में आप लोग भी वहाँ पर आइएगा और कलश यात्रा में सम्मिलित होइएगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर दादी जी लोग भी पहुँच चुके हैं हमसे पहले घूमने के लिए, मम्मी की फ्रेंड लोग। इवनिंग वॉक पे, बैटिंग वॉक पे, बैटिंग वॉक। तो शाम के दोस्त ये देखिए। तो यहाँ पर संजीत, मंजीत और प्रिया की मम्मी गोबर की फंचे ला रही हैं। ये देखिए है शांति बंद बोल रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक ठाक छ के गर्नु छ? दुयली कपडा। ओ खुब मोटा पानी आ रहा है भाई। ठीक है अनीता चाची, टाइम कपड़े धो रहे हैं भाई। ये देखिए और ये रही अनीता चाची, आप लोगों के लिए हाय कर रहे हैं। और तो ठंड हो गया भाई, आप हाथ जननी झड़े ना। तो ये देखिए इन्होंने अपने आंगन की भी लिपाई कर दी है। यहाँ तो ये देखिए यहाँ पे चूल्हा भी बनाया है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो ये रहा हर्षु चाचा लोगों का घर, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी लौकियाँ कितनी सारी लगी है, बट लेकिन ये अब ज्यादा बड़ी होंगी भी नहीं, होंगी भी तो बंदर इन्हें रखेंगे नहीं। ये देखिए यहाँ पर देखिए बकरियां भी जुगाली करने पे लगी है। क्या देना है? कुछ नहीं मीम, तेर वीडियो बननी। हाँ हाय कर रहा लोगों को, हेलो हाय कारा है जड़ने लगनो इधर जावा। अरे एक वहां से देख रही है, देखो इधर जुगाली करने पे लगी है। तो जाओ अंदर जाओ, ठंड हो गई, जाओ जाओ। ये देखिए तो चलते हैं आगे को।
मुन्नी दीदी भी पता नहीं कहाँ है, मुन्नी दीदी तो नजर भी नहीं आ रही। और यहाँ पे हाँ जी क्या करना चाहिए तुम? अरे यार जरा अलमोड़ की खड़ी कंडेली की। अरे वाह नीमा भाभी बना रही है कंडेली की बुज्जी। तो कसण केतु से ऐसा लगता है हमारा गांव, ये देखिए नजर आ रहे हैं हमारे घर और ऊपर असुरगढ़ी मंदिर नजर आ रही है ये देखिए। और ये रहा नीमा भाभी लोगों का घर जो कि आपने कई ब्लॉगों में देख लिया है, और उन्हीं के बगल में बन रहा है एक घर और। ये देखिए उसकी छत डाल रखी है आजकल, तो उस पर भी तराई हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं नीमा भाभी ने कहाँ पर निकाली है कंडेली की बुज्जी। तो ये देखिए अलमोड़ इसे भी डालेंगे बुज्जी में। आधा अलमोड़ ये है, आधा अलमोड़ है। अच्छा ये देखिए कंडेली कंडेली भी निकाल दी है उन्होंने, आज बना रहे हैं कंडेली की बुज्जी। ये देखिए ये रहा पालक और ये अलमोड़ आधा ये भी है। और ये रहा उनका किचन गार्डन, सॉरी गार्डन गलत बोल दिया, किचन इनका। ये रहा ये देखिए चूल्हा, ये हमारी नीमा भाभी जी। ये देखिए अरे वाह कितने सुंदर तरीके से उन्होंने डेकोरेट कर रखा है अपना किचन ये देखिए। और ये देखिए चूल्हा, चूल्हे के ऊपर दूसरा चूल्हा भी है, इसे हम बोलते हैं औंधा है ना। और ये देखिए और इसे बोलते हैं हम खांदा, जब पितरों के लिए रखते हैं तो खांदे में ही रखते हैं। यहाँ पे पहाड़ियों को तो पता होगा खांदा क्या हुआ। और ये खंड क्या बोल दी? अनगिर है। तो यहाँ पर देखिए इसे अनगिर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूल्हे के ही ठीक ऊपर अनगिर रहती है। ये देखिए यहाँ पर लकड़ी सुखाई जाती है। यहाँ पे करने लग गई वो अलमोड़ को साफ। अरे वाह पत्ती पत्ती है। ये देखिए ऐसे निकालना पड़ता है इनसे पत्ती पत्ती को। और ये थोड़ा सा पालक भी है ये कंडेली, इसकी मार तो आप लोगों ने भी खाई होगी बचपन में। हेलो दोस्तों, तो मैं बना रही हूँ आज कंडेली की भुज्जी, और आप भी आ जाइए कंडेली की भुज्जी खाने के लिए। खाओगे एक बार खाओगे तो आप भी दूसरे दिन कंडेली की भुज्जी बनाओगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों को भी नीमा भाभी ने इनवाइट कर दिया है कंडेली की भुज्जी खाने के लिए, तो आप लोग भी आ सकते हैं। सिर्फ आज तक का ही है ये ऑफर, सीमित सिर्फ आज हर रात 12 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं। 12 भी क्या बोलना, पहाड़ों में तो आजकल 8 बजे तक ही है ये ऑफर, क्योंकि 8 बजे तक ये खा ही लेंगे तो 8 बजे के अंदर अंदर कोई भी आ जाएगा उनके घर पे तो कंडेली की भुज्जी उन्हें मिल जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी चले ही जाते हैं। ताई जी ने यहाँ पे आग जला दी है, ये देखिए क्या रखा है, पानी गर्म करने के लिए रखा है। देखिए भाई आग सेकने के दिन भी आ ही गए हैं। और आजकल यहाँ पर पेंट हो रहा है, ये देखिए आते ही मुझे कैसे हल्ला कर रहे हैं कि तेरा काम काज नहीं है। और कुछ बोलना चाहना था ना? ना बोले मेरे बुरे, मतलब मेरे बुरे कह सकते हो तुम। तो आजकल अमन लोग कर रहे हैं अपने घर पे डेंटिंग पेंटिंग, तो चलिए थोड़ा देखते हैं ऊपर। तो ये देखिए अभी आधा किया है, आधा इधर रह गया है पेंटिंग करने के लिए। इधर देखिए पूरा सामान बाहर निकाल रखा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।